तो इस वाले क्वेश्चन में देखो बच्चों कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है कनेक्टेड टू लाइट रोप विद पास ओवर ए पुली, ठीक है। एक मैन है जिसका मास m है और ब्लॉक का मास m बाई टू है और मैन का एक्सलेशन रोप के रिस्पेक्ट में g बाई सिक्स है। तो फाइंड करना एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन रोप। अब सोचो कि एक्सलेशन दिया हुआ है, एक्सलेशन निकालना है ब्लॉक का और रोप का। तो ऑब्वियसली देखो एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन इन रोप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सलेशन पूछ रहा है। जब कभी बताया नहीं जाएगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये जो है वो रोप के रिस्पेक्ट में है। तो मैं इसको लिखूंगा एक्सलेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप, आर फॉर रोप, तो वो आ जाएगा जी बाई सिक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सलेशन ऑफ मैन माइनस एक्सलेशन ऑफ रोप दैट इज जी बाई सिक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर साइन कन्वेंशन निकालोगे तो एक्सलेशन ऑफ मैन ऊपर है तो ऊपर में प्लस ले लिया और माइनस एक्सलेशन ऑफ रोप नीचे है, रोप नीचे जा रही है तो ये रिलेटिवली टू जी बाई सिक्स। तो कुल मिला के एक्सलेशन ऑफ मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगा जी बाई सिक्स माइनस एक्सलेशन ऑफ रोप। तो ये अब लेट एक्सलेशन ऑफ रोप, मान लो एक्सलेशन ऑफ रोप और मैन, एक्सलेशन ऑफ रोप एंड मैन का एक्सलेशन मैं मान लेता हूँ कुछ ए नॉट बच्चों। तो इसको एक्सलेशन ऑफ मैन जो आ जाएगा वो आ जाएगा जी बाई सिक्स माइनस ए नॉट, क्योंकि ब्लॉक और मैन, ब्लॉक और रोप का एक्सलेशन सेम होगा। चलो तो अब इसका इन दोनों का इक्वेशन लिखते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं इन दोनों का इक्वेशन लिखूं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो चलो एक बार देख लेते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख के। तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक बेसिकली ऊपर जा रहा है तो टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा, इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा। तो अगर टेंशन टी ऊपर लग रहा है इस पे बेसिकली, तो इस पे जो ब्लॉक है इस पे टेंशन टी ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रही है और ये एक्सलेशन से ऊपर जा रहा है ए नॉट से। तो इसका इक्वेशन बना टी माइनस एम बाई टू एम जी, इसका मास m बाई टू है, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम बाई टू ए नॉट, इसका इक्वेशन बन गया फर्स्ट। सिमिलरली मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अगर मैन का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो इस आदमी, ये आदमी स्ट्रिंग पे नीचे फोर्स लगा रहा, तो स्ट्रिंग उस पे ऊपर फोर्स लगाएगी और इसका एम जी नीचे लगेगा और आदमी जा रहा ऊपर, एक्सलेशन ए, एक्सलेशन ऑफ मैन एम आर है, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है इसका है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा इक्वेशन बना टी माइनस एम जी मास ऑफ द मैन एक्सलेशन ऑफ द मैन एम ए एम आर, ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू एम और एक्सलेशन ऑफ मैन मैं रख दूँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये है जी बाई सिक्स और माइनस ए नॉट। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एम जी बाई सिक्स और माइनस एम ए नॉट, दिस इज द टी माइनस एम जी, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गया। अब अगर इन दोनों को इक्वेट करूँ तो मुझे ए नॉट मिल जाएगा। तो पहले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ, पहले इक्वेशन से एम जी, एम जी बाई टू और प्लस एम ए नॉट बाई टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू एम जी बाई सिक्स और प्लस एम जी और माइनस एम ए नॉट, इतना मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से एम ए नॉट बाई टू और प्लस एम ए नॉट यहाँ से आ जाएगा और यह आ जाएगा एम जी, सेवन एम जी, सेवन एम जी बाई सिक्स और माइनस एम जी बाई टू। तो फाइनली एम एम खत्म हो गया तो यह आ जाएगा थ्री ए नॉट बाई टू, यहाँ से मुझे मिल गया। और एम एम अगर ख़त्म हो गया तो यह आ जाएगा फोर्टीन एम, फोर्टीन जी माइनस सिक्स जी दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व। तो ये 14G और 6Z आ जाएगा 8G अपॉन 12 दैट इज 3A नॉट बाई 2। तो ये 2 टाइम्स ये 6 और ये 3 से 2 से कटेगा, ये 3 टाइम 2 से कटेगा, ये 4 टाइम्स। तो एक्सलेशन जो आ जाएगा ब्लॉक का और रोप का वो सेम होगा और यहाँ से आ जाएगा हम लोगों का दैट इज द 4G अपॉन 9, दिस इज द 4G अपॉन 9, दिस इज बेसिकली द एक्सलेशन ऑफ द मैन, सॉरी दिस इज द एक्सलेशन ऑफ द रोप एंड ब्लॉक, ठीक है।
अब हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन निकालने के लिए ये जो इक्वेशन है एक्सलेशन 4g/9, इस इक्वेशन इसको मैं इस ब्लॉक के इक्वेशन में रख दूं या कहीं भी रख दूं, इसमें t-mg/2 और इक्वल टू mg/a0 इसमें मैं पुट कर देता हूं फर्स्ट में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो रख देते हैं, इस एक्सलेशन जो एक्सलेशन आया a0 = 4g/9, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन t-mg/2 = ma0/2 में रख दूं तो मुझे टेंशन पता चल जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी m/2 और a0 की वैल्यू आ जाएगी 4g/9 और प्लस ये आ जाएगा mg/2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा प्यारे बच्चों 4mg/18 और प्लस mg/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8mg + 18mg एंड डिवाइडेड बाय 18 × 2, दैट इज 26mg/18 × 2, दैट इज 13। तो टेंशन टी की वैल्यू आ जाएगी 13mg